26 जुलाई 2024 को शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट का आज समापन होगा। 11 जुलाई को क्लोजिंग सेरेमनी होगी पेरिस ओलंपिक्स 2024 की। आपको पता होगा इस दौरान कंट्रोवर्सी भी हुई, कुछ अच्छे मुकाबले भी हुए, भारत ने 6 मेडल भी जीते इस दौरान, और इसी के साथ आज क्लोजिंग सेरेमनी होगी। तो भारत से कौन फ्लैग बियरर होगा, यानी कि ध्वजवाहक होगा भारत का, इसके साथ साथ कौन परफॉर्म करेगा और कैसे 2028 के लॉस एंजलिस के लिए जब परेड होगी, क्योंकि अगला ओलंपिक्स वहीं पर आयोजित किया जाएगा, तो वो सब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भारत के समय के हिसाब से रात के 12:30 बजे ओलंपिक सेरेमनी शुरू होगी। आप कह सकते हैं कि ये सोमवार के दिन भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, पर ये 11 अगस्त को ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी होगी अकॉर्डिंग टू पेरिस। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो भारत के ध्वजवाहक रहेंगे 2 ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर, और दूसरे रहेंगे सृजेश, जिन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, बहुत अहम गोलकीपिंग की है उन्होंने। पहले नीरज चोपड़ा हो रहे थे, पर नीरज चोपड़ा ने पीटी उषा से कहा कि सृजेश भाई को ले जाइए, क्योंकि ये उनका आखिरी मुकाबला है और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडिया को सर्व किया है। तो सृजेश और मनु भाकर टीम इंडिया के फ्लैग बियरर रहेंगे, भारत के ध्वजवाहक। इसके अलावा आपको याद होगा कि ओपनिंग सेरेमनी सीन नदी पर हुई थी, जो पेरिस की पवित्र नदी मानी जाती है, और अब क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो स्टेडियम के अंदर होगी, यानी कि किसी नदी के किनारे पर इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर बात की जाए कि कौन इसमें परफॉर्म करेगा ओपनिंग सेरेमनी में, तो सबसे पहले नाम टॉम क्रूज का सामने आ चुका है। इसके साथ साथ बेली एलिश के अलावा स्नूप डॉग के साथ साथ कई बड़ी हस्तियां परफॉर्म कर सकती हैं। इसके साथ बात की जाए कि अब लॉस एंजलिस का क्या, मैं कह रहा था लॉस एंजलिस जो है वो 2028 के ओलंपिक का आयोजन करेंगे, तो वहां के लिए हो सकता है कि यूएस के मेयर जो है वो यहां पर आए, और जो फ्लैग बियरिंग होगी तो वो लॉस एंजलिस की भी होगी, और वहां पर जो मशाल दी जाएगी वो अब मशाल फॉरवर्ड की जाएगी पेरिस से यहां लॉस एंजलिस के लिए, क्योंकि अगला ओलंपिक्स वहीं पर आयोजित होगा। तो भारत के समय के हिसाब से रात के 12:30 बजे, और मोबाइल पर ये आप जियो सिनेमा और टेलीविजन पर आप स्पोर्ट्स 80 नेटवर्क पर ये देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा, और फ्लैग बियरिंग की भी सारी अपडेट हम आप तक देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।